हाई फ्रेंड्स बिफोर यू गो अड एंड गिव योर लास्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ सी ए फाउंडेशन दो तीन बातें हैं जो मुझे वापस से आपको बतानी है सो दैट इट्स देर इन साइड योर हेड एंड यू डोंट मिस दैम वाई प्रजेंटिंग योर पेपर एंड नंबर टू आर द आंसर्स ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंटलीस्ट क्वेश्चन नंबर टू से पहले शुरू करते हैं बी सी आर और लॉ uh, फर्स्ट तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि आपको तीन घंटे मिल रहे हैं लॉ और बी सी आर दोनों के लिए ही और हाँ आप कोई भी सेक्शन पहले स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल बीसीआर सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके सारे क्वेश्चंस एक साथ होने चाहिए ऐसा ना हो कि पहले बीसीआर फिर लॉ किया फिर कुछ पोर्शन बीसीआर का कर दिया नो ऑल द क्वेश्चन टू वन सेक्शन हैज टू बी टुगेदर नंबर टू ऑफकोर्स वॉट इज टू बी डन फर्स्ट तो मेरे हिसाब से लॉ पहले करना चाहिए क्योंकि लॉ में ज़्यादा एनर्जी मेंटल एनर्जी लिखने की एनर्जी जाने वाली है और लॉ कंपेरेटिवली टेक्निकल है आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम लास्ट मोमेंट की याद रहती हैं तो आप डेफिनेटली उसको जाकर के पेंट डाउन कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से और मैंने स्टूडेंट्स को पहले भी बताया हुआ है कि लॉ मेरे हिसाब से सबसे पहले करना चाहिए उसके बाद बी सी आर कंपेरेटिवली स्मूथ जाता है और कंपेरेटिवली ईजी ऑन माइंड होता है वेन 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 यू हैव ऑलरेडी गिवेन लॉ पेपर बेटर राइट नाउ तीसरी बात यहाँ पे प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपके पास तीन घंटे हैं 180 मिनट है ये शायद मैं एक बार बताने जा रही हूँ कि 180 मिनट है आपके पास फोर हंड्रेड मार्क्स तो जब आप लॉ करने बैठे ना तो याद रखिएगा पहले ही बच्चों के दिमाग में होता है कि लॉ ज्यादा लिखना है ज्यादा लिखना है अच्छे से लिखना है तो वहां दे लूज टच दे लूज ट्रैक ऑफ टाइम हमेशा याद रखें अगर आपका पांच मिनट पांच नंबर का क्वेश्चन है लॉ का तो 1.8 आपको नौ मिनट से ज्यादा आप ध्यान दें कि आप ना दे रहे हों उस पर्टिकुलर पांच मिनट के लॉ के क्वेश्चन को नंबर फोर अगर बच्चे जनरली ऐसा करते हैं और ऐसा होता है उनके साथ कि वो लॉ में इतने मगन हो जाते हैं इतने ज्यादा मगन हो जाते हैं यार 60 मार्क्स है समझो 60 मार्क्स इंटू वन पॉइंट एट इज आपके पास 108 से ज़्यादा वंस अगेन लेट्स डू इट इट्स 60 मार्क्स ऑफ एक सौ आठ मिनट फॉर ईच दैट इज से मिनट्स उसको कन्वर्ट करें आवर्स में उससे ज्यादा लॉ के लिए है ही नहीं अगर तुम उससे ज्यादा लॉ को दोगे ये सोचते हुए कि चलो बी कर लेंगे तो बी में मिलते हुए मार्क्स जो है कम हो जाएंगे क्योंकि आपको है कि बीसीआर स्कोरिंग uh, होता भी है नहीं भी होता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस तरीके से प्रेपरेशन की हुई है राइट दीज आर द थिंग्स एंड ये वन मोर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग मेरा एक वीडियो है uh, चैनल पर ही नीचे उसका मैं लिंक दे दे रही हूं उसमें मैंने लिखा हुआ है कि हाउ यू विल श्योरली पास इन लॉ एग्जाम गिवन द वे यू राइट आंसर टू इन डायरेक्ट क्वेश्चन राइट तो उसे किस तरीके से लिखना है वो मैंने बेहतरीन तरीके से बताया है उसको देखे बना मत जाना बहुत छोटा वीडियो होने वाला है जस्ट लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो और आई एम लिंकिंग द लिंक ऑफ दैट यूड्यूब वीडियो जस्ट हेयर जस्ट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन ठीक है बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है इस तरीके से करना है खुले विचार खुले माइंड से कर, जाकर के करना है ट्रैक रखना है अपने टाइम पे और मेरे हिसाब से लॉ पहले शुरू करना है अगर आपकी कोई और स्ट्रैटेजी थी बी को पहले शुरू करने की तो आप वो भी कर सकते हो जस्ट टेक केयर कि भाई फोर्टी मिनट्स हैं दैट इज यू हैव सेवेंटी टू मिनट्स फॉर बी सी आर राइट इफ एम नॉट रॉन्ग यू हैव सेवेंटी टू मिनट्स फॉर बी सी आर दैट्स इट दोस्तों कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड वॉच दैट वीडियो बिफोर यू गो काफी चीजें क्लियर होगी और मार्क्स गेन करने में हर क्वेश्चन में हाफ मार्क्स एटलीस्ट गेन करने में हेल्प करेगा वो वीडियो व बाय टेक केयर लव यू ऑल ऑल द बेस्ट मिलते हैं आपके एग्जाम्स के बाद